अपने शरीर को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और अन्य कंपोनेंट की जरूरत रहती है। ये सब ब्लड सर्कुलेट के जरिए हर एक अंग में पहुंचता है और ब्लड सर्कुलेट हमारे हृदय के द्वारा होता है। इसके लिए हृदय स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ हृदय का पता ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के जरिए होता है। आज अपन इसी वीडियो में ECG के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए इसी वीडियो में। इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड फैक्ट को जानने के लिए मेडिको फैक्ट जोन चैनल को सब्सक्राइब करें। ECG एक नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हृदय की रिदम वो गति का पता लगाया जाता है। यह हृदय की गतिविधि को ग्राफिकल वेव में प्रेजेंटेशन करती है, इसलिए इसको ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। मेनली लाइव हार्ट एक मोटर पंप की तरह ही होता है जो हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और हृदय को पंप करने के लिए करंट हमारे ब्रेन से मिलता है और यही करंट हमें ECG में ग्राफिकल वेव में प्रेजेंटेशन होता है। हमारे हृदय में टोटल 4 चेंबर, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। इन्हीं चारों चेंबरों के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन के दौरान वेव जनरेट होती हैं। ये टोटल 5 वेव होती हैं। पहली पी वेव, दूसरी क्यू वेव, तीसरी आर वेव, चौथी एस वेव एंड लास्ट टी वेव जनरेट होती है। ब्रेन से होने वाली नर्व सप्लाई सबसे पहले हृदय के एक पॉइंट पर आती है जिसको SA नोड कहते हैं, और इसको हृदय का पेसमेकर कभी कहते हैं। इसी दौरान हृदय के दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। इसी दौरान पी वेव जेनरेट होती है। SA नोड से निकलकर करंट AV नोड तक आता है। इस दौरान हृदय में कोई गतिविधि नहीं होती है और इस दौरान कुछ माइल्ड सेकंड के लिए हर्ट शांत रहता है। इस दौरान ECG में होने वाली गतिविधि को PR सेगमेंट बोलते हैं। AV नोड जिसको हार्ट का दूसरा पेसमेकर बोलते हैं, वहाँ से करंट या इम्पल्स जेनरेट होकर पुर्किंजियस फाइबर में पहुँचता है। फिर लेफ्ट और राइट साइड दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। इसी दौरान ECG में बड़ा सा QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी दौरान हार्ट के एट्रियल रिलैक्स होते हैं, बट QRS कॉम्प्लेक्स के दौरान ECG में जेनरेट नहीं हो पाता। फिर कुछ माइल्ड सेकंड के लिए हार्ट शांत रहने के बाद वापस वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इस दौरान टी वेव जेनरेट होती है और शांत रहता है, तब ST सेगमेंट बनता है। हार्ट अटैक का पता भी इसी दौरान लग जाता है, क्योंकि नॉर्मली ST सेगमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है और हार्ट अटैक के दौरान ST सेगमेंट एलिवेटेड हो जाता है। इसी तरह से हार्ट की एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इस कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक नॉर्मल ताल व लय के साथ एक मिनट में 60 से 100 तक आती हैं, तो उसको नॉर्मल साइनस रिदम बोलते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।